पाकपतन में तीन मरले जमीन के तनाजे पर फायरिंग से जख्मी दूसरा शख्स भी जान बहक हो गया। लवाइकी ने लाश सड़क पर रखकर शहर का दाखिली रास्ता बंद कर दिया। ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गईं। एहतजाज खत्म करवाएं, आई पुलिस पार्टी और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई। जान बहक शख्स के लवाइकी ने जमाल चौक में लाश रखकर एहतजाज करते हुए टायर जलाकर शहर का दाखिली रास्ता बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मुलजिमान से सास बाज होने का इल्जाम भी आयद किया। एहतजाज खत्म करवाने आई पुलिस पार्टी और मुजाहिरीन में भी हाथापाई हो गई। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने भारी रकम लेकर मौका से पकड़े ही मुलजिमान छोड़ दिए। फायरिंग का वाकया 28 अगस्त को गांव 101D में पेश आया था, जिसमें एक शख्स जान बहक जबकि दूसरा जख्मी हुआ था। रिपोर्ट कर रहे थे अली अहमद असद, ग्रेट न्यूज़ पाकपतन।